पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ातरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है, लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ातरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319699927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। जिला अस्पताल और लांजी अस्पताल में कोरोना वैक्सीनेशन की हुई शुरुआत। खैर, लांजी महाविद्यालय में छात्रों ने जमकर मचाया हंगामा, प्रशासन की समझाइश पर बंद किया हंगामा। अवैध शराब की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनता जा रहा है जिला, कार्यवाही के लिए कलेक्टर एसपी ने संभाला मोर्चा। परसवाड़ा के जंगल में जली मिली लाश की हुई शिनाख्त, जबलपुर निवासी थी महिला। जागपुर घाट में वेनगंगा की मुड़ी धारा, अत्यधिक रेत का दोहन को बताया जा रहा कारण। और अब खबरें विस्तार से। 16 जनवरी की सुबह 11 बजे जिले में आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसका लोगों को लगभग एक वर्ष से इंतजार था। जिला अस्पताल में बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन और कलेक्टर दीपक आर्य और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। वैक्सीनेशन की शुरुआत सबसे पहले सफाई कर्मचारी और चिकित्सकों से की गई। वैक्सीनेशन के बाद सफाई कर्मी और चिकित्सकों ने अपने अनुभव मीडिया से साझा करते हुए बताया कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है, हर व्यक्ति को आगे आकर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। ठीक लगा, किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं, कोई कुछ नहीं लगता, दर्द भी नहीं लगता, ऐसा महसूस कहीं नहीं रहा, बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। और ये जो कोविशील्ड आया है तो बहुत ही सेफ है। शुरुआती दौर में पहले चरण में एक सफाई कर्मचारी के साथ ही 9 चिकित्सकों को वैक्सीन लगाए गए। इस विषय में बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने विस्तार से जानकारी दी। आज पूरे भारत वर्ष में महाटीकाकरण अभियान कोरोना वैक्सीन का प्रारंभ हुआ है, जिसका शुभारंभ और देश को मार्गदर्शन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उसी श्रृंखला में हमारे बालाघाट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आज हमारी जो सफाई कर्मी रंजीता संजय, इसको पहला टीका लगाया गया। उसके बाद में हमारे दो डॉक्टर साहबान, ऐसे 10 लोगों को प्रथम वायल का टीकाकरण हुआ है और सक्सेसफुल टीकाकरण हुआ है। पूरे आत्मविश्वास से भरे हैं जिनको भी आज कोरोना का टीका लगाया, और कहीं पर भी कोई भय की या डर की कोई स्थिति नहीं है। और ये आज 100 लोगों को टीका इस सेंटर से लगेगा। इसी के साथ साथ लांजी हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी आज ही से टीकाकरण। जिले के रामपाली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम पुनी में एक विवाहित महिला नविता, पति सुभाष पटले उम्र 23 वर्ष ने अपने 6 महीने के दूध मुहे मासूम बेटे शौर्य को गोद में रखकर अग्नि स्नान कर लिया था। इस घटना के बाद जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों माँ बेटे को नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। नागपुर ले जाते समय रास्ते में ही भंडारा के पास दोनों माँ बेटे की मौत हो गई। शनिवार की सुबह उन्हें पुनः परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर पुलिस और प्रशासन के द्वारा प्रारंभिक कार्रवाई कर केस डायरी रामपाली थाना भेज दी गई है। इस घटना के बाद मृतिका के परिजनों के द्वारा ससुराल पक्ष पर पैसे और सोने के हार के लिए ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। भांजी सर, वो हमने देखे नहीं, वहाँ इसके में मौजूद है, कैसी जली हो पर जलाया गया लड़की। क्या कारण लग रहा है सर? उनके क्या रानी हार और यानी पैसा मांग रहा था वो। किस चीज़ का पैसा मांग रहा था वो? जो दहेज का पैसा। दो साल 18 आओ छः मांग। नहीं सर, वो पहले परेशान नहीं, अभी परेशान कर रहा था, यानी करीबन 3 माह हो गए। मामला वही है सर कि 2 दिन पहले बच्ची ने फ़ोन की थी, पापा जी बोले पैसे के लिए और रानी हार के लिए बोल रहे हैं, और मेरे से रात दिन झगड़ा कर रहे हैं।
उसके बाद में दो दिन के बाद में मैंने फ़ोन नहीं किया सर, मैं अपने किसान आदमी अपने खेत में काम कर रहा था। कल मेरे को 10 बजे फ़ोन आया कि लड़की जल गई। मैं जब पूछ रहा हूँ अगले आदमी को कि कैसे जली, तो वो इंस्पेक्टर बोल रहे कि तुम आके देखो। बेटा भी था शायद साथ? हाँ, बच्चा भी साथ में। अच्छा, ये बता सर, ये कदम तो मेरे को सिर्फ यही लग रहा है कि पैसे के लिए। मृतिका के पति सुभाष पटले ने बताया कि पत्नी के साथ घरेलू विवाद तो चल ही रहा था, शायद विवाद की वजह से शायद उसकी पत्नी ने यह कदम उठा लिया है। अरे ये क्या है, दो दो बात का झगड़ा हुआ घर गस्ती, उसके बाद में हम कल घर में नहीं थे, कुछ मार्केट चल गए, पापा मैं मम्मी कपड़े धो रहे थे, इसमें युवा दोनों अंदर बंद थे, बोले हम तो नहीं थे, आग लग गई, बोले धुआं आया तो पड़ोस वाले तो बड़े होंगे, फिर देखे बोलते कि वाड़ बंद थे कि दरवाजा तोड़ के चला गया, पापा मैं घर में थे मार्केट चले गए थे। अच्छा, किस बात की विवाद हो गया था? घर भी बात नहीं, जैसे आपके ससुर पर आरोप लगा रहे हैं पैसे का कुछ लेन देन को लेकर के। अस्पताल चौकी पदस्थ ASI दुर्गा प्रसाद हरिणकेड़े बताते हैं कि शुक्रवार की दोपहर के समय आंख से जलकर बुरी तरह से घायल हो चुके मां बेटे को परिजनों के द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनकी स्थिति बहुत ही अधिक गंभीर थी, इसलिए मृतिका के बयान नहीं लिए जा सके थे। ये नवविवाहिता है पुणे की, नविता पटले, पति का नाम है सुभाष पटले, इसकी उम्र है 23 वर्ष। ये कल जलने के बाद आई थी अस्पताल उपचार के लिए, तो इससे पूछताछ की बात नहीं कर रही थी, कथन नहीं दी, डॉक्टर मैडम से बोले कथन दे सकती क्या, तो उन्होंने बताई कि नहीं अनकॉन्शियस है, बोले नहीं बता, उसके बाद रिफर कर दिए, नागपुर ले जा रहे थे, नागपुर ले जाते एक्सपायर हो गई, फिर ले आए यहाँ पे। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी मैडम कर रही नायब तहसीलदार ठाकुर मैडम पंचनामा कार्रवाई उसकी नवविवाहिता होने से, उसके बाद पंचनामा कार्रवाई बाद नवविवाहिता डायरी वहाँ भेजवा दी जाएगी रामपाली। ऐसी कुछ बातें वो बोल रहे थे कि पति उसके ससुर के साथ विवाद हुआ था एक दिन पहले, जांच का विषय है, रामपाई की पुलिस करेगी इसकी। शहर के जागपुर घाट वेनगंगा नदी का बदला हुआ स्वरूप दिखाई दे रहा है। वर्षों से वेनगंगा नदी जागपुर घाट, बालाघाट और जागपुर गांव को जोड़ने वाले स्थान पर जागपुर की ओर से बहते हुए दिखाई देती थी, लेकिन इस वर्ष नदी की धारा मुड़ गई है। वेनगंगा की धारा अब बालाघाट की ओर से बहती हुई दिखाई दे रही है। स्थानीय जन और जागपुर घाट को बरसों से जानने वाले लोग बताते हैं कि ऐसा उन्होंने पहली बार देखा है जब नदी की धारा दूसरी छोर की ओर से बह रही है। अब तक बारिश के बाद जागपुर गांव के घाट की ओर से पानी बहता था और बालाघाट की ओर काफी क्षेत्र में रेत का भाग रहता था, जिसमें लोग आराम से भ्रमण करते थे, लेकिन इस बार सब कुछ उल्टा हो गया है। चलिए नदी को बहुत करीब से देखते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं कि इस घटना के लिए क्या जिम्मेदार हो सकता है। पहले ये जो नदी की धारा थी वो जागपुर घाट की तरफ से जाती थी, यहाँ रेत का भंडार भरा हुआ होता था, ये रेत का भंडार यहाँ से अवैध उत्खनन कहें या जैसा भी हो, उत्खनन के कारण पानी की धार जो है इस तरफ से प्रारंभ हो गई। नदी की धारा मुड़ने से नुकसान तो खैर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आवागमन में परेशानी होती है। वर्तमान में नदी की स्थिति, पिछले विगत सत्रों में तो रेत बहुत रहती थी, लेकिन इस साल वो नदी की धार चेंज होने की वजह से थोड़ा सा नदी में रेत कम हो गई है और बाढ़ भी अच्छी आई इस वर्ष, तो उसमें अंतर आया है। नदी की धार मुड़ने का तो अंतर कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन अब पानी का बहाव है वो अपना एक रुख ले लेता है जिधर से भी उसको मिल जाए। ये इस वजह से हुआ बेटा कि रेत जो है उस तरफ ज़्यादा हो गई, इस तरफ कम हो जाने के कारण इधर रेत ने दो फाटा कर दिए नदी। इससे पहले तो नदी भर के आती थी, तब तो रहता था पानी, मगर अभी इतना पानी नहीं रहता। तो आएगी फिर टाइम होगा तो। पहले नदी में जब बाढ़ आती थी तब पूरी नदी भर के जाती थी, मगर फिर बीच में खाली रहती थी, रेत ही रेत रहता था, आगे उधर जिधर ही पानी रहता उधर ही पानी रहता था, इधर नहीं रहता था। इस साल इधर पानी है, हम देखिए अगले साल भी रहते हम ऐसा पानी। विद्युत वितरण कंपनी किरनापुर की आउटसोर्स कर्मचारी को सब स्टेशन में जाकर जान से मारने की धमकी देने वाले लवेरी निवासी डोमेश लिल्हारे पर कार्यवाही के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को लामबंद किया गया है। किरनापुर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मामला थाना किरनापुर के बिजली सब स्टेशन का है, जहां पीड़ित आत्माराम मात्रे ने अपनी शिकायत में बताया कि वह मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी है, जो अपने साथी कर्मचारी संजय बोरकर के साथ अपनी रात्रि पाली की ड्यूटी कर रहा था। लेकिन 15 जनवरी की दरमियानी रात करीब 10 बजे लवेरी निवासी डोमेश लेल्हारे अपने साथी के साथ आकर बिजली काटने की बात को लेकर विवाद करने लगा और जान से मारने की धमकी दी। पूरा मामला उसमें यह है कि लवेरी निवासी डोमेश लेल्हारे नाम के व्यक्ति हैं, उनके घरेलू कनेक्शन का लगभग 21,000 का बिल बकाया है। कल शाम को हमारे लाइन स्टाफ वहाँ पे श्री कटरे और खरे जी हैं और साथ में मैं भी था, तो बकाया राशि के कारण उनकी लाइन पूरी से कटी हुई थी। कल मतलब क्रॉस चेकिंग में वहाँ पे गए तो उनकी लाइन बगल वाले से जो भी था उनके यहाँ पे से जुड़ी पाई गई थी, तो उनके कनेक्शन काटा गया और काट के हम लोग आ गए। रात को करीब 9 बजे या 9:30 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया, सब उस व्यक्ति के द्वारा मतलब गाली गलौज की फ़ोन पे की गई है और धमकी दी गई है मारपीट की। और 10 बजे के आसपास सब स्टेशन किरनापुर में 2-3 लोगों के साथ में आके वो हमारे सब स्टेशन ऑपरेटरों के साथ मतलब दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया है और धमकी दी है मारपीट। भरवली थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम जागपुर में एक महिला ने अपनी वृद्ध सास को हसिया लात हाथ मुक्कों से मारपीट कर घायल कर दिया। घायल वृद्धा दशवन बाई पति रुखन राउत 60 वर्ष ग्राम जागपुर थाना भरवली निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक 16 जनवरी को सुबह 8 बजे प्रतिमा ने अपने सास दशवन बाई से झगड़ा किया और उसे उठाकर पटक कर हसिया से मारने लगी। दोनों सास बहू का झगड़ा देख मोहल्ले वाले दौड़े और प्रतिमा का हाथ का हसिया छुड़ाया। बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 6 में मानसिक तनाव में एक व्यक्ति ने अपने हाथ की कलाई हसिये से काट ली। घायल व्यक्ति खेमचंद पिता राधेलाल सोनवाने 38 वर्ष वार्ड नंबर 6 बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के मुताबिक खेमचंद सोनवाने सब्जी भाजी का धंधा करता है, जो पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में चल रहा था। 16 जनवरी को 10 बजे खेमचंद अपने घर में था, तभी उसने मानसिक तनाव में आकर घर में रखी हसिया से अपने बाएं हाथ की कलाई काट ली, जिसे उसकी पत्नी रीता सोनवाने ने भतीजे लोकेश सोनवाने के साथ जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया है। कोतवाली पुलिस ने एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक छात्र द्रोण पिता भागचंद पटले 22 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। यह छात्र ग्राम डोंगरिया बीजा टोला थाना बिरसा निवासी है। जानकारी के मुताबिक यह 22 वर्षीय लड़की कटंगी थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जो बालाघाट में रहकर कॉलेज में पढ़ाई करती है। लड़का द्रोण भी कॉलेज में पढ़ाई करता था और यह लड़की और द्रोण एक दूसरे से बातचीत करते थे। 15 नवंबर 2020 को दिन में द्रोण ने इस लड़की को छेड़छाड़ कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद द्रोण फरार हो गया था। लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने छात्र द्रोण के खिलाफ 354D 506 भारतीय दंड विधा के तहत अपराध दर्ज किया था, जिसकी विवेचना सहायक उपनिरीक्षक पूर्णिमा राणा द्वारा की जा रही थी। वहीं फरार आरोपी द्रोण की तलाश की जा रही थी। 16 जनवरी को 1:30 बजे द्रोण को बालाघाट में गिरफ्तार किया गया। जिले के परसवाड़ा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम बड़गांव के जंगल में जली हुई महिला की लाश की पहचान प्रेम पति राजेश विश्वकर्मा 32 वर्ष जबलपुर निवासी के नाम से उन्हीं के परिजनों ने की है। ये महिला एक सप्ताह से जबलपुर से लापता थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस महिला का मायका घनसौर जिला सिवनी का है, जो जबलपुर में अपने पति के साथ ही रहती थी, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटी और 1 बेटा है। 9 जनवरी को यह महिला बैंक के काम से घर से निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी, जिसके गुम होने की रिपोर्ट गोरखपुर थाने की रामपुर पुलिस चौकी में भी की गई थी। 11 जनवरी को परसवाड़ा थाना क्षेत्र में बड़गांव के जंगल में एक महिला की जली हुई लाश परसवाड़ा पुलिस द्वारा बरामद की गई थी, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। महिला के हाथ में विश्वकर्मा लिखा हुआ था। 16 जनवरी को इस महिला के मायके और ससुराल पक्ष के लोग पहुंचे। तहसीलदार की उपस्थिति में लाश का उत्खनन करवाया गया। महिला की पहचान प्रेम पति राजेश विश्वकर्मा 32 वर्ष जबलपुर निवासी के नाम से की गई है। इस महिला की हत्या करने के बाद लाश को बड़गांव के जंगल में लाकर जला दिया गया। परसवाड़ा पुलिस आगे की जांच कर रही है।
शासन के निर्देश के अनुसार अवैध शराब के खिलाफ जिले भर में पुलिस प्रशासन द्वारा दबिश देकर धरपकड़ कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब बरामद की जा रही है। इसी तारतम्य में जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 16 जनवरी को लालबर्रा थाना अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत साल्हे के वनग्राम खैरगोंदी में पुलिस टीम के द्वारा छापामार कार्रवाई कर भारी मात्रा में अवैध रूप से हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस बल वज्र वाहन के साथ शाम 5 बजे ग्राम खैरगोंदी पहुंचा, जहां ग्राम के समीप मौजूद नाले में दबिश देते हुए कच्ची शराब बनाने का कार्य कर रहे ग्रामीण जलती भट्टी को छोड़कर मौके से फरार हो गए, जहां से पुलिस के द्वारा शराब बनाने की सामग्री एवं ग्राम के अलग अलग स्थानों में प्लास्टिक ड्रम में छुपाकर रखा गया महुआ लाहन व भारी मात्रा में कच्ची शराब जब्त की गई, जिसमें महुआ लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। देर शाम तक चली इस कार्यवाही के दौरान पुलिस द्वारा लगभग 100 क्विंटल महुआ लाहन बरामद कर नष्ट किया गया और 230 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब व शराब बनाने में उपयोग किए जाने वाले पात्रों को जब्त कर थाना लाया गया। 12 सैन्य विभाग के अंतर्गत लालबर्रा थाने में बोरी खैरगोंदी गांव में आज दबिश दी गई थी, एक संयुक्त दबिश थी हमारी ये, और जिसमें करीब 230 लीटर के आसपास हमको महुआ की बनी हुई शराब मिली है, 100 क्विंटल के आसपास लाहन मिला है और काफ़ी मात्रा में शराब बनाने के बर्तन और सामान मिले हुए हैं। सर, कौन सा मामला कायम किया गया इसमें भी? इसमें हमारे जो मामले हैं वो अभी कायम हो रहे हैं, लगभग इसमें 6 मामले कायम होंगे आपका रेट के अंतर्गत। वीरांगना रानी अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय खैरलांजी में शनिवार को महाविद्यालय के गेट पर छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा मचाया, जिसकी सूचना पर तत्काल खैरलांजी थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी, पुलिस बल सहित खैरलांजी तहसीलदार होमराज सिंह वारले कॉलेज पहुंचे, जहां छात्र छात्राओं से चर्चा कर धरना प्रदर्शन शांत करवाया गया। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि हम सभी खैरलांजी महाविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं और ऐसे में देखने में आता है कि खैरलांजी कॉलेज में विगत 8-10 वर्षों से महाविद्यालय बीआरसी कार्यालय के 2 कक्ष में संचालित किया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं की बैठक व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो पा रही है। छात्र छात्राओं को अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लाइब्रेरी की व्यवस्था का अभाव है, जिसके कारण पर्याप्त रूप से पुस्तकें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। प्रैक्टिकल किस प्रकार हो गए जब महाविद्यालय में लैब ही नहीं है, और ऐसे में पर्याप्त रूप से बैठक व्यवस्था नहीं होने के कारण कई छात्र छात्राओं को इधर उधर घूमना व बाहर खड़े रहना पड़ रहा है, जिसे नवनिर्माण नए भवन में संचालित किया जाना चाहिए, जिससे कि स्नातक और स्नातकोत्तर संकाय की पढ़ाई नियमित रूप से प्रारंभ हो। पूरे घटनाक्रम के बाद प्राचार्य वीरांगना रानी अवंतीबाई महाविद्यालय खैरलांजी के एल हिवारे ने बताया कि महाविद्यालय का भवन बन गया है, लेकिन उसमें कुछ कमी थी, जैसे लेडीज टॉयलेट, जिस कारण से कलेक्टर साहब से चर्चा कर राशि मांगी गई थी और वह बनाया गया है। जैसे ही भवन महाविद्यालय हैंडओवर होता है, वैसे ही शिफ्टिंग कार्य किया जाएगा। बालाघाट जिला अवैध शराब की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बात की बानगी बीते 3 महीनों से अधिक वक्त से आबकारी विभाग द्वारा लगातार अवैध शराब की कार्यवाही से पता चल रहा है। बावजूद इसके ये कार्यवाही ऊंट के मुंह में जीरे के समान दिखाई दे रही है। अवैध शराब बनाने वाले शराब माफियाओं में प्रशासन की कार्यवाही को लेकर जरा भी खौफ दिखाई नहीं देता। इस बात का उदाहरण 3 दिन पहले उस समय दिखाई दिया जब वारासिवनी के बैगा मोहल्ला में प्रशासन ने दबिश दी तो अवैध शराब के इतने बड़े कारखाने को देखकर प्रशासन के भी होश उड़ गए। इस दौरान 100 क्विंटल महुआ लाखन जब्त किया गया। इतनी बड़ी कार्यवाही को ऑपरेशन का रूप दिया गया, जिसमें जिले के आला अधिकारी कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी को दल बल के साथ मौजूद रहना पड़ा। बात बैगा मोहल्ला से शुरू हुई और दूर तलक तक जाने लगी। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना की घटना के बाद आदेश दिया तो प्रशासन ने अपने हाथ खोल दिए। फिर क्या था, एक के बाद एक कार्यवाही शुरू हुई। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में
दल बल के साथ जिले में कच्ची शराब का अवैध धंधा करने के लिए प्रख्यात खैरलांजी के ग्राम सावर गांव में शुक्रवार को दबिश देकर बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 500 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब और 380 क्विंटल से ज्यादा महुआ लाखन जब्त किया गया। इस दौरान ग्राम में घेराबंदी कर कार्रवाई की गई और पूरी तरह प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया, जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं थी, दल बल और साधन पूरे थे, जिसमें ग्राम सावरगांव में 8 से 10 घरों में छापामार कार्रवाई की गई है और प्रत्येक घर से कच्ची शराब महुआ लहान बरामद किया गया। वहीं कच्ची शराब बनाने के एक अड्डे को मौके पर जेसीबी से धराशायी भी किया गया और एक मकान के तलघर में कच्ची शराब को बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसमें यूरिया की जब्ती की गई। यह छापामार कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हुई और देर रात्रि तक चलती रही, जिससे जब्त हुआ महुआ लहान व अन्य सामानों को जेसीबी मशीन के द्वारा गहरा गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया और इस कार्रवाई में कच्ची ड्रम, गुंडी सहित तमाम प्रकार के बर्तन और कच्ची शराब जब्त किया गया। शराब पर हो रहे इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद कई सवाल उठते हैं, क्या इसे कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है? ऐसा नहीं तो फिर इतनी बड़ी मात्रा में शराब का अवैध कारोबार जिले के भीतर कैसे संचालित हो रहा है? क्या इन झोपड़ी में बन रही शराब के पीछे जिले के रसूखदारों का हाथ है? बहरहाल देखना अब यह है कि यह कार्रवाई कब तक चलती है। तो ये थे अभी तक की खास खबरें, अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.